अलमदबिल्मिन बिस्मिल्लर सरे बनी इसराइल की तीन आयतें पढ़ रहा हूँ आयत नंबर तीस आयत नंबर इकतीस आयत नंबर बत्तीस इनब का बेशक आपका रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है नबी इबादी ही खबीरम बसीरा वो अपने बंदू को जानने वाला और देखने वाला है वाला तख्तुलू खशियत इमलाक और अपनी औलाद को मुफलिस के अंदेशे से कत्ल न करो न हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी इन्ना कतलहुम हम खितन कबीरा बेशक उनको कत्ल करना बड़ा गुनाह है वाला तक इन्नहु का फाहिशा और जिना के करीब भी ना जाओ यकीनन वो बेहयाई है वसा सबीला और बुरा रास्ता है तश्र सुन लीजिए उसकी मुख्तर तफसल इनशाला रिजो तफसर में देख लीजिएगा इसमें अहल ईमान के लिए तसली है कि उनके पास वसाय रिश्ते की फरावानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के इनका कोई मकाम नहीं है बल्कि ये रिश्ते की वसायत या कमी उसका ताल्लुक अल्लाह के हमत और मसलहत से है जिसे सिर्फ वही जानता है वो अपने दुश्मनों को कानून बना दे और अपनों को इतना ही दे कि जिससे वह मुश्किल वो अपना गुजारा कर सकें ये उसकी मशीयत है जिसको वो ज़्यादा दे वो उसका महबूब नहीं और जिसको बहुत दे बिल्कुल न दे तो उसका मफबूज़ नहीं जैन में रखना माल का मिलना ये कामयाबी की निशानी नहीं है और माल का न मिलना ये नाकामी की निशानी नहीं है हर हाल में अल्लाह के हुक्म का पूरा होना यह कामयाबी की निशानी है और अल्लाह के हुक्म का टूटना यह नाकामी की निशानी है दूसरा कि ये जो कहा गया कवला कम खशत इमलाक अपने औलाद को वो फिलसी के डर से कत्ल न करो इसकी तफसीर जो है सुरैन आम में भी गुजर चुकी है आयत नंबर एक सौ इक्यावन में हदीस में आता है हुजूर हजूर अलैहि साम में गुजर चुकी है हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्क के बाद जिस गुनाह को सबसे बड़ा करार दिया वो यही है कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगी यह हदीस सही बुखारी शरीफ में है आज कल कत्ल औलाद का गुना अजीम नहायत मनज़म तरीके से और खानदानी मनसूबाबंदी के हसीन उनवान से पूरी दुनिया में हो रहा है और मर्द हजरात बेहतर तालीम और तरबियत के नाम पर और ख़वातीन अपने हसन को बरकरार रखने के लिए इस जुर्म का आम इरतक कर रही हैं अल्लाह ताला हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए फिर आगे फरमाया जिला के करीब मत जाओ इस्लाम में जीना चूँकि बहुत बड़ा जुर्म है इतना बड़ा कि कोई शादीशुदा मर्द या औरत उसका इरतक कर ले तो उसे इस्लामी माशरे में जिंदा रहने का ही हक नहीं है फिर उसे तलवार के एक वार से मार देना ही काफ़ी नहीं है बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार मार कर उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया जाए ताकि वह माशरे में निशान इबरत बन जाए इसलिए यहाँ फरमाया कि जिना के करीब भी मत जाओ यानि उसके दवाई असबाब से भी बच कर रहो मसलन गैर महरम औरत को देखना उनसे इख्तलात और कलाम की राहें पैदा करना और मोबाइल पर जो है मीठी मीठी बातें करना और फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे को एक दूसरे से करना ये सब चीज़ों को मना किया कि उनको देखना उनसे इख्तलात कलाम की राहें पैदा करना इसी तरह औरतों का बेपर्दा और बंद सवर कर घरों से बाहर निकलना वगैरह इन तमाम उमूर से इज्तनाब जरूरी है ताकि इस बेहि से बचा जा सके लड़कियों को करीब करने के लिए उनके बर्थडे में मुबारकबादी देंगे और लड़कों को करीब करने के लिए बर्थडे में उनको मुबारकबादी देंगे ये सब जो है जीना के करीब की चीजें हैं को तो कोई काम ऐसा मत करो जिससे आदमी जीना तक पहुंचे الله تعالى ان برايوسهم سبكي بوري پوری بوري حفاظت فرمائے آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين